शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योर ऑनर, हम और आप किसी मंगल ग्रह से तो आए नहीं हैं, भारतीय हैं और पूरी तरह से भारतीय हैं। और ये अभियोग एनआरआई जरूर हैं, लेकिन ये भी भारतीय हैं। भारत एक पुरुष प्रधान देश है। पुरुषों का महिलाओं पर अत्याचार पिछले 5000 सालों से चला आ रहा है। यहाँ कहावत है, ढोर गवार शुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस मान्यता से हिंदुस्तान आज भी आजाद नहीं हुआ है। कहने को तो 21वीं सदी है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे ही पढ़े लिखे लोग हमारी बेटियों को शादी करके दुल्हन बना के अपने घर ले तो आते हैं, फिर बाद में उनका जीवन नरक बना देते हैं। अब सोचिए, सोचिए योर ऑनर, फ्रिज खराब हो गया है, अपने बाप के घर से मांगा। ऐसी नहीं है, अपने बाप को फोन कर। घर या गाड़ी नहीं है, ए, अपने बाप को फोन कर। बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या करें? तो अपने बाप से मंगा। योर ऑनर, ऐसे ही पढ़े लिखे लोग अपनी बहुओं को रोज बातों के बाणों से मारते हैं। पति ससुर और देवर अगर हाथों से पीटते हैं तो ऐसी सास और नंदे व्यंग के बाणों से उस मासूम का हृदय छल्ली छल्ली कर देते। यही नहीं, हद से हद तो ये है जज साहब, कैसे ही पढ़े लिखे लोग अपनी बहुओं पर तेल डालकर आग लगा देते। क्यों? क्योंकि वो दहेज नहीं ला सकती हैं, असमर्थ हैं। दहेज और रेप की जुर्म की कहानी सिर्फ इसी घर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में घर घर में दहेज की डिमांड की आग शोले बनकर धधक रहे हैं। घर घर में आग लगी हुई है। देश भर में ससुर, जेठ और देवर अपनी बहुओं की इज्जत लूट रहे हैं। भारतीय दंड विधान में अगर सेक्शन 375, 376, 354 और 498 ए ना हो तो इस देश में तो हाहाकार मच जाएगा, औरतों का जीना दूभर हो जाएगा। योर ऑनर, ये औरतें ढोंगी हैं। इन्होंने एक मासूम सी बच्ची को इतना प्रताड़ित किया और इनके ससुर और देवर ने इस कदर यौन उत्पीड़न किया, इस कदर रेप किया कि वो लड़की पागल हो गई। लिहाजा इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all your honor. क्या जबरदस्त इमोशनल आर्गुमेंट्स किए हैं मेरे काबिल दोस्त नजर साहब। थैंक यू। दाद देनी पड़ेगी। जाहिर है हमारे पीपी साहब स्पेशल काउंसिल हैं वुमेन कमीशन के और महिला आयोग के। केस कोई भी हो लेकिन आर्गुमेंट्स हमेशा इनके यही रहते हैं। जबरदस्त स्पीच थी हमारे पीपी साहब की, लेकिन जैसा साहब एक बार फिर आज गलती हो गई। क्या पीपी साहब को पता ही नहीं है जैसा साहब, इस केस में ना तो कोई देवर है और ना कोई ससुर, और ना ही देवर और ससुर द्वारा रेप के एलिगेशंस। ऐसा लगता है कि हमारे पीपी साहब ने गलती से कोई और केस उठाकर पढ़ लिया है। I'm sorry. क्या है ये? सॉरी मैडम। शुक्र है आज तो सिर्फ गलती निकाली है इन्होंने, वरना हमेशा मुझसे लड़ जाते हैं कोर्ट में और भावुक और उत्तेजित भी हो जाते हैं। नहीं वकील साहब, मेरा तो काम ही सच के लिए लड़ना है, और यहाँ सब लोग जानते हैं कि मैं अपना काम बहुत शिद्दत और ईमानदारी से करता हूँ। वो तो है। सॉरी मैम। I'm sorry, sir. मुझे
से गलती हो गई। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ना तो कोई रेपिस्ट है, न ढोंगी और ना ही दहेज के लोभी। जज साहब, माफी चाहती हूँ मैं, देर हो गई आने में मुझे। वो क्या है कि मैं आज फिर गई थी संसद कानून बदलवाने, इसी से तो सारी प्रॉब्लम है ना। डेफिनेशन ऑफ रेप एंड डाउरी बदलना तो पड़ेगा ना। मैं बदलवाऊंगी, मैं फिर जाऊंगी, फिर जाऊंगी, रोज जाती हूँ संसद, कल फिर जाऊंगी। जब तक नहीं बदलेगा तब तक जाती रहूंगी, जाऊंगी जरूर। योर ऑनर, ब्रिटेन में बसा ये एनआरआई परिवार पिछले 150 सालों से भारत में नहीं था, लेकिन भारतीय था। भारत में ना रहने के बावजूद इन लोगों ने विदेश में अपने संस्कारों को, भाषा को, धर्म को बहुत संभाल के रखा है। योर ऑनर, दुनिया का सम्मान, ऐशो आराम, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां, नौकर चाकर, बंगले, सब कुछ तो था योर ऑनर इनके पास, सिवाय एक संस्कारी बहू के। और उस संस्कारी बहू के चक्कर में आज ये परिवार इस तरह यहां मुजरिमों की तरह इस कटघरे में खड़ा है। इस केस की हकीकत क्या है योर ऑनर, मैं आपको बताता हूं। अब से 7 साल पुरानी बात है। दोस्तों, अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर होने के बावजूद हम तन से बेशक यहां विदेश में बसे हैं, लेकिन मन हमारे आज भी अपने देश में ही है। दोस्तों, आज के इस खास मौके पर एक और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की अजीम और शान शख्सियत जनाबे गुलाम अली खास साहब भी हमारे बीच मौजूद है। खास साहब, आपसे गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ ले आए। क्या आदाब जिग्नेश, हिंदुस्तान से जब मैं आ रहा था तो मैंने सोचा कि तेरे लिए क्या लाऊं, तो सोच सोच कर थक गया। तेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ऐसी चीज लाया हूँ तेरे लिए कि मेरे यार, मेरे दोस्त हैरान हो जाएगा, वो तेरे पास यहाँ नहीं है। लाइए भैया। ऐसा क्या ले आए भारत से मेरे लिए? लीजिए। अपना कम सा लगे कुछ इस जीवन में, दिल में बस ये सपना है। अपनी मिट्टी की सुंधी खुशबू है, रगों में ये बसी है, चूमेंगे इसको शाम से। हमको तो प्यारा है वतन अपनी जान से, यहाँ भी माँ है तेरा सहारा। गम न कर यारा, तू दूर नहीं जहान से। हमको तो प्यारा है वतन अपनी जान से। माना विदेश में सब कुछ मिला है, देश तो प्यारा अपना है। कम सा लगे कुछ इस जीवन में, दिल में बस ये सपना है। अपने देश में हम जाएंगे, बिछड़ी माँ से मिल जाएंगे।
किसमें ताकत हिम्मत को तोड़ेगा मिलने से रोकेगा हमारी पहचान से। हमको तो प्यारा है वतन अपनी जान से। देसी चमक और रंगी शबाब तेरा, ऐसी सुंदरता और कहां। सूरत और मूरत जैसे देवी खड़ी हो, ऐसी पवित्रता और कहां। हाथाशे बाजी शोर शराबार हो फिर हंगामा, इनकी बहू हम लाएंगे हिंदुस्तान से। सौंधी खुशबू है रगों में ये बसी है, चूमेंगे इसको शान से। इस घर की बहू हम लाएंगे हिंदुस्तान से। Calling from reception, ma'am. Advocate Bhan is here to see you. Oh yeah, send him up. Wow. What? I mean, Pooja, right? Yes, please. Jitna suna tha usse, kahi zyada khubsurat paya. Excuse me? Never mind. Main... Yes, yes. Please come in. Sure. Please. आपकी बुआ जी शॉपिंग के लिए गई है नहीं? Yeah, but how comes you know this? आपको कैसे पता? ये मत पूछिए। हम आपके खैरख्वाह हैं। खैर? बहुत पुराने फैन। आपके बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, शायद आप भी नहीं जानती होंगी। Really? Come. Have a seat. Yeah, sure. Before I forget. ये 5 लाख रुपए आपके पिताजी ने भेजे हैं। Thank you so much. पटेल साहब मेरे मासिन हैं, लेकिन आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं? वैसे इंडिया में इनका सारा कारोबार मैं ही संभालता हूं। मैं पटेल साहब का लीगल एडवाइजर हूं और इंडिया में उनका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी। आंख बंद करके विश्वास रखते हैं मुझ पर। आई होप यू डोंट माइंड। सुना है कि हिंदुस्तान में आप लोग अर्जुन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं जी। वैसे दिल्ली में मेरा बड़ा सोशल सर्कल है, डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर हूं और बहुत जल्द हाई कोर्ट का जज बनने वाला हूं मैं। हाई कोर्ट जज। सो लाइक आई नो। वैसे ये नाचीज भी रिश्ता ढूंढने में किसी परिजात की मदद कर सकता है, बशर्ते वो परियों की शहजादी हसीन लबों की मालिक अपने इन गुलाबी होठों से इस ताबेदार को हुक्म दे। तुम्हारे ये भीगे बाल। उफ। Don't you dare touch me ever again. Do you understand? ये क्या कह रही हैं आप? What's wrong with you? Come on, come on.
I said, get the hell out of here. Right now. I said, get out. Sure. Now. Hello, Mother's Residence. Wow. हाँ, जैसे मानो मेरा सपना पूरा हो गया. हाय हाय, कितनी सुंदर है ये. बस मुझे यही रिश्ता मंजूर है. Yeah, I like her. आगे आगे बहन जी भी आ गई. बहन जी आप पंडित को बुलाइए, मुहूर्त निकलवाइए. बस मैं आप ही की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ. हेलो दीदी. सुधा केम छो? मजा मा. अच्छा सुनो, पंडित जी ने ना एक बहुत अच्छी लड़की दिखाई है. वो वैसे मॉडर्न बहुत है लेकिन साथ में संस्कारी भी. मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आएगी. हाँ हाँ, क्यों नहीं. आपकी पसंद से मेरी पसंद कभी अलग हो सकती है. फिर भी एक रिक्वेस्ट है दीदी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अर्जुन से उस लड़की की मुलाकात जरूर करवा दीजिएगा. हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम ऐसा ही करेंगे. ठीक है. फल नीचे रख दो. It's too good to be true, but हम हाँ करने से पहले हम अर्जुन भैया और प्रीति को अकेले में मिलवाना चाहेंगे. नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो क्या है ना, हमारे खानदानों में शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते. अरे यहाँ मिलवाओ, देखो फोटो में देखो कितने सोने लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूजे के लिए बनाए हुए हैं. भगवान की जोड़ी है ना, देखिए ना, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना, बिल्कुल एक दूजे के लिए. चाहे तो आप ऐसे मिलवा दीजिए, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना. लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, हमारे खानदान का ये रिवाज है और ये रिवाज रहेगा. शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलेंगे. और वो क्या है ना, हमारे खानदान के भी तो कुछ वैल्यूज है, संस्कार है. और वैसे भी देखा जाए तो आपको भी एक खानदानी और संस्कारी बहू ही तो चाहिए. नहीं मैं ठीक कह रही हूँ ना, am I right? Right? ये क्या है, ये भगवान खून, ये क्या हुआ? Oh my God, it looks like blood. वो क्या है ना जी, आपके लिए फल काट रही थी, बस छुरी से हाथ कट गया है ना बेटा. ले ले ले. ऐसा नहीं करते बेटा, बहुत प्यार करती है ना मुझसे. नहीं बेटा, एक ना एक दिन जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है. हाँ बेटा रोते नहीं, एक ना एक दिन तो हर लड़की की शादी होती है. प्लीज डोंट क्राई भाभी. आओ बेटा आओ, अंदर चलो. एक्सक्यूज मी, आओ. रोते नहीं बेटा, आओ चलो. ब्लड. बहुत सुंदर. और संस्कारी भी. दीदी कह रही थी शादी का नाम लेते ही रो पड़ी. हाँ. ना लंदन की, ना पेरिस की, ना गुड़िया जापान की, 24 कैरेट की होती है दुल्हन हिंदुस्तान की. हटो भी. आपने अर्जुन से बात कर ली? हाँ, लेकिन अर्जुन ने अपना निर्णय मुझ पर छोड़ दिया. और दीदी? दीदी को बहुत पसंद है. तुम्हें?
24 कैरेट तुमने अपना निर्णय नहीं बताया। आप तो जानते हैं मेरा निर्णय, आप सबकी पसंद ही मेरी पसंद होती है, फिर भी उनको हाँ कहने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनजान लोग हैं वो हमारे लिए, हमने उनके साथ कभी भी किसी तरह का व्यवहार नहीं किया है। कोई जानकार बीच में होगा तो अच्छा रहेगा। अरे हाँ, अपना है ना वो एडवोकेट भान, उससे बेहतर दिल्ली वालों को और कौन जानता होगा। देखिए उनके बारे में दीदी के विचार अच्छे नहीं है। अरे हमें भान से कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, उसे कहेंगे कि लड़की के परिवार वालों के बारे में महज जानकारी ले ले और क्या। मैं आज ही उसकी ड्यूटी लगाता हूँ। आप भी ना, इंडिया का नाम सुनते ही बस भावुक हो उठते हैं। इसके पहले भी आपने व्यापार में कितना नुकसान उठाया है, कम से कम इस बार अर्जुन की शादी के बारे में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। शुभ कार्य में निर्णय लेवामां बहु विलंब न करवो जोईए, हूँ तमारी वात साथे सहमत छू। पटेल साहेब, वर्षो पछी मैं आवी कुंडली जोई छे, वर वधुना 36 गुणांक मळे, बोलो। आपकी तरह कन्या का परिवार भी बहुत धार्मिक है, ये कन्या की माए ना 24 घंटा पूजा पाठ दान धर्म में ही लीन रहती है। आप नहीं मानेंगे, आपके आने से पहले ही उन्होंने पूजा खत्म की है। धार्मिक आचरण से ही परम सुख की अनुभूति मिलती है। ये सारे संस्कार मुझे मेरे माँ से मिले हैं और वही मैंने अपनी बेटी को भी दिए हैं। बहन जी, हमारा समस्त परिवार आपके इस आचरण और संस्कारों से बहुत प्रभावित है, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, मुंह मीठा कर लेते हैं, है ना? क्यों नहीं, लीजिए 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 लीजिए, शुक्रिया। ये तो आपका बड़प्पन है और मेरे बेटी का नसीब, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लीजिए खान साहब, मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए ना। बहुत बहुत मुबारक हो जी। शुक्रिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। जी तुम भी खुश हो ना? आप सब लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। बहन जी, असल में आपने मेरे भाई का, मेरे दोस्त का वापस हिंदुस्तान आने का सपना पूरा कर दिया। सही मानों में अब इसकी घर वापसी हुई है। खान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस एक बार अर्जुन की शादी हो जाए, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां भारत में सेटल हो जाऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि हमारा अर्जुन जो है वो इस्कॉन परंपरा का अनुयायी है, भगवान श्री कृष्ण का अटूट भक्त है। अर्जुन का ये सपना है कि वो यहां भारत में एक विशाल भगवान श्री राधे माधव जी का मंदिर बनवाए। तो उसकी ये तमन्ना है कि हमारा जो नोएडा में 100 एकड़ का प्लॉट है, वहां पे ये भव्य मंदिर की स्थापना करे, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाए जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सके। बहन जी, आप बहुत खुशनसीब हैं और आपके समधी इंसान नहीं बल्कि देवता हैं। आप बहुत नसीब वाली हैं और आपकी बेटी भी बड़ी किस्मत वाली है। वो सब तो ठीक है खान साहब। भाई साहब जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। इस रिश्ते को लेकर आपकी कोई दहेज की डिमांड तो नहीं है ना? नहीं, वो क्या है ना, आई एम अ सिंगल मदर। बहुत दुख और कष्ट से मैंने अपनी बेटी को बड़ा किया है। वैसे तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी? दहेज तो दूर की बात, इस शादी का पूरा खर्च हम ही उठाएंगे और अर्जुन और प्रीति की इतनी धूमधाम से शादी कराएंगे कि आपका पूरा शहर देखता रह जाएगा। आप तो सिर्फ हमारी प्रीति का शादी तक पूरा ध्यान रखें बस। श्री गुरुभ्यो नमः, हरिः ओम। श्री महागणाधिपतये नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ
स्वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ शुक्लाम्बरधरम्। कितना प्यारा ये बंधन है, रिश्तों में पाकीज़ापन है, जन्नत में जैसे मैं और तू है। रब ने लगाया ये शगन है, ये रूहों का मिलन है। रब ने लगाया ये शगन है, ये रूहों का मिलन है। चाहे तेरी याद में जलना चाहे, तुझे पाकर रब पाया है, अब ये ना बदलना चाहे। तेरा तन भी मेरा तन है, ये रूहों का मिलन है। मेरा तन भी तेरा तन है, ये रूहों का मिलन है। उसके दर पर अपने अंदर उसको देखो, उसकी आंखें मेरा पैकर। कैसा ये दीवानापन है, ये रूहों का मिलन है। कैसा ये दीवानापन है, ये रूहों का मिलन है। Welcome and namaste. How long will you be staying with us, Mr. Patel? 6 days. And nights? एक मिनट, 6 दिन नहीं, 10 दिन. What? मॉम ने कहा था हम 10 दिन रुकेंगे, right? और मॉम जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, correct? Come on. What is mom going to do with that? मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला? मेरी माँ के बारे में? Oh my God, my mother, my poor mother, you insulted her. I'm really sorry. I really didn't mean that. तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो अर्जुन? मेरी माँ नहीं होती तो मैं कैसे होती? और मैं नहीं होती तो हमारी शादी कैसे होती? Sorry. Do you get the point? हाँ? हेलो मॉम, शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और आपके दामाद ने एक घटिया रिसेप्शनिस्ट के सामने आज आपकी इंसल्ट की। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज हॉरिफिक बिहेवियर। से सॉरी। हेलो मॉम। Ha ha ha!
मैंने फोन नहीं लगाया था। ए, ये रहा तेरे स्पेशल कपल का रूम। भूल जाओ, ये आज भी निकलेंगे। कितने दिन हो गए? 9 दिन। 9 दिन? ये तो होटल का रिकॉर्ड हो गया। पिछला हनीमून रिकॉर्ड तो 7 दिन का था। चलो भगवान का शुक्र है, सब कुछ अच्छे से हो गया। बिल्कुल। दीदी, मैंने तो सिर्फ कन्यादान किया है, बाकी सब कुछ तो आप ही ने संभाला है। करोड़ों का खर्चा किया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी प्रीति की शादी इतनी आलीशान होगी। एक तरफ अगर खुशी है तो एक तरफ दुख भी है। क्यों, कैसा दुख? रीति रिवाज के तौर पर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई, एक पीतल का कलश भी नहीं दे पाई। मधु, आपने इस बात को कई बार उठाया है, प्लीज अब दोबारा नहीं उठाना। अर्जुन और प्रीति के सुख के सिवाय और क्या चाहिए हमें आपसे? इस बात को मैं भी मानती हूँ। भाई साहब, आपकी जो नोएडा की जमीन है जिस पर आप मंदिर बनाने वाले हैं, सुना है कि उस पर कुछ विवाद है। आई मीन टू से, अर्जुन इज लुकिंग वेरी टेंस नाउडेज। ना ना, ऐसी कोई बात तो नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जमीन हमने बहुत पहले खरीदी थी, लेकिन विवाद जैसी कोई बात नहीं है। औपचारिक रूप से उसकी ठीक से देखभाल नहीं हुई, लेकिन अब भान साहब उसका ख्याल रख रहे हैं, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। भान, ये भान साहब कौन है? ये हमारे वकील हैं, जिन्होंने हमें ये जमीन दिलवाई थी। वैसे वकील कम, प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा है। इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन एंड एक्चुअल पोजेशन, यू डोंट हैव अ केस। व्हाट? व्हाट डू यू मीन? देखो बेटा, बात सीधी सी है। तुम्हारी जमीन पर डीसीपी का कब्जा है और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उससे झगड़ा मोल लेके कोई फायदा नहीं है। तुमको 100 एकड़ जमीन का क्या करना है? तुमको मंदिर बनाना है तो 1 एकड़ जमीन साइड में से टुकड़ा उठा लो और मंदिर बना लो। वो समस्त जमीन मंदिर की है। Shut up! मंदिर, मंदिर, मंदिर! सुन सुन के पागल हो गया वो मंदिर। Just quit it, man! अर्जुन, अर्जुन, I'm sorry. It's probably the alcohol. I hope you'll understand. Sorry. ये है हमारी जमीन, यहीं पर भव्य मंदिर बनेगा, वहां दूर बीच में। हाँ सर, ये देख रहे सर जमीन आप? वो दूर वहां देखिए, वहां से लेकर वो उधर बिल्डिंगों के पास, उसे थोड़ा पहले ही, और ये यहाँ देखिए ऊपर पेड़ के पास, पहाड़ के ऊपर। जी है ना, यहाँ से लेकर सारी जमीन आपकी है, जो आपके पिताजी ने आज से 10 साल पहले कौड़ियों के दाम पर ली थी। Great. और आज आज इसके दाम 200 करोड़ से ऊपर हैं। और आप ऐसी जमीन पर धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं, ये आपकी मांग। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ए, हरे रामा हरे कृष्णा, इधर क्या कर रहा है तू? ये जमीन पे क्या कर रहा है तू? मुझे मालूम नहीं है ये डीसीपी साहब की जमीन है? हा? ये हिंदुस्तान है, समझा? घर वापसी करेगा तू? हाँ, जिसको घर वापस। कृष्णा का पुत्र बनेगा? हाँ, जिसको कृष्णा का पुत्र बनेगा? हाँ, मंदिर बनवाएगा, घर वापसी करेगा।
आ गया हरे कृष्णा के मंदिर का झंडा जमीन पर। अरे हो गई इसकी घर वापसी, खत्म हो गया इसका स्टोरी। अर्जुन मंदिर ही तो बना रहा है, छोड़ो मुझे। हेलो, मेरे अर्जुन को तुम्हारे सामने डीसीपी के गुंडों ने मारा और तुम देखते रहे भान। तो मैं क्या करता, उनसे उलझता तो मैं भी पिटता। वैसे दाद देनी चाहिए आपको, यह आप ही की हिम्मत है जो डीसीपी जैसे खूंखार आदमी से पंगा ले रहे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। लोग कहते हैं उस जमीन की कीमत 200 करोड़ है। क्या कीमत लगाते हैं आप अर्जुन की? अर्जुन का नाम नहीं लोगे तुम, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे पंगा तो वही ले रहा है, भरना भी उसी को पड़ेगा। मेरी बात मानिए, बहुत पैसे हैं आपके पास, अपने एक लौते बेटे को समझाइए, मंदिर कहीं और बनवा लें। मैंने तुम्हें बहुत देर से पहचाना। रिश्तेदारों को तभी पहचाना जाता है जब रिश्ते जुड़ते हैं ना पटेल साहब। प्रीति और अर्जुन की शादी के बाद हमारे आपके रिश्ते तो जुड़ी गए ना। लीजिए, समदन से बात कीजिए। नमस्ते समदी जी, कैसे हैं आप? इस वक्त पान के घर? यू आर अ वेरी नोजी फेलो। इतनी रात को अगर मैं अपने घर पर रहूं या किसी और के, आपको क्या फर्क पड़ता है? जी। नमस्ते सर। मधु जी से कहो कि डीसीपी साहब आए। साहब, मेम साहब आपका बार में वेट कर रहे हैं। आ गया मेरा दोस्त। भान साहब, आपकी दूरंदेशी को इस नाचीज का सच सच प्रणाम। हुजूर, क्या खेल खेला है आपने। जुआ खेला है हुजूर, जुआ 200 करोड़ का, और अगर जीत गए तो 25 आपके और 25 आपके, बाकी बचे 150 वो इनके। लेकिन बहुत ध्यान से इस जुए में आप दोनों को अपने पत्ते बहुत ध्यान से फेंकने पड़ेंगे, खास तौर पे मधु तुम, क्योंकि तुरुप का पत्ता तुम्हारे पास है। बच्चे उठ गए? देखो, सारी रात तुमने रो रो के गुजारी है। इंडिया में जो होना था सो हुआ, अब अर्जुन सकुशल वापस लौट आया है, बहू आई है, कितना अरमान था तुम्हें, है ना? चौबीस कैरेट, अब तो हंस दो ना। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखे बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता। हंसो हंसो हंसो।
मोहब्बत के समंदर में वफा है और चाहत है, तू ही मेरी जरूरत थी, तू ही मेरी जरूरत है, तू मेरी चाहत है, हाँ तू गर्दिश में बदल जाऊं, नहीं आएगी तुझ पर कोई आंच, चाहे मैं ही जल जाऊं, मोहब्बत में सितम सहना दीवानों की जो आदत है, तू ही मेरी जरूरत थी, तू ही मेरी जरूरत है, वो वो तू मेरी चाहत है, वो है, वो है, वो नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। बैठिए। कहाँ रहे थे इतने दिन पंडित जी? आप ही के काम में लगा हूं, ये लीजिए। पहले ने दिया 10, दूसरे ने दिया ये बंगला, तीसरा ले गया लंदन, अब लाया हूं ये चौथा बंधन। लड़की एक और चौथा रिश्ता, महान है देवी जी, आप भी महान है। कहां महान हो पंडित जी, इस बार तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। लड़की पिछले 3 साल से लंदन में है और अब वो माँ भी बन चुकी है। आप ही ने तो कहा था ना कि ये लंदन वाले एनआरआ है मिस्टर पटेल बड़े भोले हैं, जल्दी टूट जाएंगे। कहां के भोले है और कहां टूटे। आप चिंता ना करें, इस बार थोड़ी देर हो गई है, माल बहुत बड़ा आने वाला है, तीसरा रिश्ता है ना, जल्दी निपटा दीजिए। चौथे पे ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा आसामी है। तो ठीक है, ये लीजिए आपका शगुन और ऐसी कोई पूजा कर दीजिए कि ये तीसरा रिश्ता फटाफट टूट जाए। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आप रे, अर्जुन को अगर काम ज्यादा था तो वहाँ बर्मिंघम में क्यों नहीं रुक गया? What are you talking about, Dad? अर्जुन भैया प्रीति बाबी के बिना कहीं रुक जाए? Impossible. शादी के बाद भैया ने आज तक भाभी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है। हाँ हाँ, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन जब साथ रहते हैं तो लड़ते रहते हैं। कल रात उनके कमरे में से ऐसे झगड़ों की आवाजें आ रही थी कि हमारा बेचारा बेटा उठ गया। क्यों करण बाबा? वैसे हैं कहाँ आपके बेटे? रास्ते में M5 पर, अभी आता ही होगा। अभी उसका फोन आया था, काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। वो प्रीति को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, कुछ कह रहा था मुझसे लेकिन बोलते बोलते रुक गया। प्रीति कहाँ है? अभी तो किचन में थी तुम्हारे साथ। हाँ थी तो मेरे साथ, शायद उसकी मम्मी का इंडिया से फोन आया है। मैं बुला के लाती हूँ। No, no, I don't want to take these medicines. I hate these medicines. You know it, Mom. भाभी, सब आपका इंतजार कर रहे नीचे। No. भाभी। No. Don't say that.
don't love me. Oh my God. आप मुझसे प्यार नहीं करती। So this looks like a typical schizophrenia matter, doesn't it? Doctor sir. क्या आप श्योर है कि ये दवा आपकी बहू के हैंडबैग में से मिली है? जी. This medication is given to schizophrenic patients. What? Schizophrenic? Schizophrenic patient? पागल? जी हाँ, पागल. अगर समय पर ये दवा पेशेंट को ना दी जाए तो पेशेंट एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाता है. एक बात बताइए, ये पेशेंट ये दवा कब से ले रही है? 20 साल से. सुधा, it's all right, mom. Please don't cry. Preeti is innocent. उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया. शादी की पहली रात ही उसने मुझे अपनी इस बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था. आप लोग परेशान होंगे, इसलिए मैंने ये बात आप सब लोगों से छुपाई. भगवान को साक्षी मानकर मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया है. फेरों के बाद वो जैसी भी है, मेरी पत्नी है, है ना माँ? हम प्रीति को इंडिया ले जाएंगे, अपनी माँ के साथ रहेगी. आबो हवा बदल जाएगी. हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी. वो पागल तो है ही नहीं. रो मत मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा. ड्राइवर. हाँ सर, आया सर. सामान गाड़ी में रखो. जी. रुक जाइए, सामान मेरी गाड़ी में जाएगा. प्रीति और करण मेरे साथ जाएंगे. मॉम, ये प्रीति की मेडिसिन है, इन्हें टाइम पर देना बहुत जरूरी है. अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मेरे बेटी का ख्याल कैसे रखा जाता है. नो थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है. और वैसे भी मेरी बेटी को पागल तुमने बनाया है. Do you understand that? करण को मेरे पास दे दीजिए बेंजी, वो मेरे बिना सोता नहीं है, रात को आपको परेशान करेगा. तो आप मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं और उन्हें कैसे सुलाया जाता है, जिनकी कभी शादी नहीं हुई और जिनको कभी बच्चे नहीं हुए. चलो प्रीति. सुनिए सुनिए ना, मधु का फोन है. क्या? जी. हेलो भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ.
प्लीज फॉरगिव मी, मुझे आप लोगों से वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है भाई साहब कि मैंने करण को 2 महीने के बाद देखा, इसलिए होश में नहीं थी। जो भी मुंह में आया पकती चली गई। सच बात तो ये है कि करण दीदी को बहुत मिस करता है और प्रीति अर्जुन को। मेरी तो आपसे यही विनती है भाई साहब कि आप और भाभी कल मेरे घर पर आए और प्रीति और आपके करण को आप लोग साथ लेकर जाएं। आप सच कह रही? बिल्कुल सच कह रही हो भाई साहब, मैं आप लोगों का कल इंतजार करूंगी। न जाने सूरज आज कहां से निकला। ओहो, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। अरे उसको सद्बुद्धि दे दी। अब मुझे लगता है कि इंडिया में रहने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। दीदी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा है उसने। हमें आज इंडिया में आए हुए 15 दिन हो गए हैं। अर्जुन को उसने प्रीति से मिलने तक नहीं दिया है। 15 दिन से हमारा एक फोन नहीं उठाया उसने। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और आपको भी उनके घर नहीं जाना चाहिए। उसको अगर बात करनी है तो यहाँ होटल में बुलाइए उसे। अरे सुधा, क्या फर्क पड़ता है? देखो तुम्हें ऐसे ये ईगो नहीं रखनी चाहिए। आखिर हमारे बच्चों की खुशी के लिए ही तो है ना। देखो मैंने उसे कह दिया हम आएंगे, अब ऐसे में उसको यहाँ बुलाना ना ठीक नहीं लगता। मुझे कोई ईगो नहीं है। हाँ लेकिन डर जरूर है क्योंकि लोग अक्सर आपकी इसी भावुकता का फायदा उठाते हैं। दीजिए फोन। अरे देश की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और। आपकी बातों से लगता है साहब आप इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी उस घर में चलती तो मैं कब का सबको लेकर यहां आ गया होता। लीजिए सर, आगे आपका समझाना। हम और अर्जुन प्रीति के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए प्लीज आप अब प्रीति को हमारे साथ भेज दीजिए। ठीक है, आप पेपर साइन कर लीजिए और ले जाइए प्रीति। लेकिन ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। आप खफा बहुत जल्दी हो जाते हैं पटेल साहब। शक तो मुझे पहले से था लेकिन आज ये साबित हो गया है। साबित तो अब आपको करना पड़ेगा पटेल साहब, क्योंकि आपने और आपके परिवार ने मिलकर एक मासूम लड़की को दहेज के लिए इतना परेशान किया कि वो पागल हो गई। What nonsense! पागल तो वो पहले से थी। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आइए हम आपको एक हमारे दोस्त से मिलाते हैं। आइए भाई साहब। आपके बेटे की शादी को 7 साल नहीं हुए हैं और यह स्टेटमेंट है प्रीति का आपके खिलाफ जो खुद उसने अपने हाथ से लिखकर हमको दिया है। उसका आरोप है कि आप सभी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। प्रीति को तो भूल जाइए भाई साहब, मेरी बात मानिए, यह स्टेटमेंट काफी है आपको दफा 498A के तहत गिरफ्तार करने के लिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए। इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। What rubbish! इस स्टेटमेंट से क्या होता है? हमने आज तक कभी किसी से दहेज नहीं मांगा है। ये हिंदुस्तान है, इंग्लैंड नहीं। यहां पर आप दहेज मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है। ये भारत है, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। यहां पर अदालतें हैं, कानून है और फिर हम जैसे लॉयर्स भी तो हैं। कौन सच्चा कौन झूठा ये कोर्ट तय करेगी।
चलिए साइन कीजिए, लीजिए। मैं वो सारी जमीन गरीबों के नाम कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे ब्लैकमेलर्स के हवाले कभी नहीं करूंगा। रियली? ठीक है पटेल साहब, ये कागजात अब जेल में बैठकर आप ही बनवाएंगे और साइन भी आप ही करेंगे। दिल्ली पुलिस ने आज एक और दहेज के लालची एनआरआई को गिरफ्तार किया। अपने आप को यूरोप का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने का दावा करने वाले इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने उस समय रंगे हाथ धर दबोचा जब वो दिन दहाड़े लड़की वालों के घर आकर बड़े दहेज की मांग कर रहा था। महिला आयोग और दूसरी महिला समितियों ने इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसी मांग की है। हाथ जोड़ती हूं। वाव रेणुका, आपकी ब्रेकिंग न्यूज के बाद तो सारे चैनल्स उसी पटेल की न्यूज से खेल रहे हैं। Amazing reporting, I must say. Thank you. I was just doing my duty, sir. I've got something for you. Good work. Le lijiye, don't worry. Oh, come on, sharmaiye mat, lijiye. 50,000 hai. Kya hua? Aapko kya lagta hai? Nahi, mujhe bataiye. Aapko kya lagta hai? Main akeli hoon. चैनल में इनपुट हेड है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, डेस्क पर 5 और बंदे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 50,000 में क्या होगा सर? यस ऑफ कोर्स, यू आर राइट, माय मिस्टेक। ये रहे और 50, पूरे एक। डोंट वरी, जब तक आप नहीं कहोगे मैं इस न्यूज को गर्म ही रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। Sad. Very sad. देवा पटेल साहब, आपकी गलती ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया? मेरी पत्नी ने जब मुझे भारत लौटने से रोकने की कोशिश की तो मैं समझता था कि वो गलत है। मैं सही हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो सही थी, मैं गलत। हां, मैं ये मानता हूं कि मैं अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद हिंदुस्तान से, भारत से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैं मेरी और मेरे परिवार की जमीन पर, खुद की जमीन पर एक विश्वविद्यालय बनाने की, एक हॉस्पिटल बनवाने की, एक विशाल मंदिर बनवाने का सपना देखने की गलती मैं कर रहा हूं। और आज मैं ये भी मानता हूं कि इंग्लैंड में अपना सब कुछ उजाड़कर यहां भारत के विकास में भागीदार बनने का सपना देखने की गलती भी मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं गलती। लेकिन अगर मेरी इस भावना को तुम गलती समझते हो ना भान, तो आज मेरी एक बात सुनो और जरा अच्छे से समझो। मैं और मेरे जैसे करोड़ों एनआरआईज जो इस मुल्क से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन इस देश की पावन धरती की, मिट्टी की, जमीन की पूजा करते हैं। अगर ये गौरवशाली गलती है तो ये गलती एक बार नहीं, बार बार करेंगे। एक गलती हजार बार करेंगे हम भान, हजार बार करेंगे भान, हजार बार करेंगे। देखना तुम, देखना। If you say so.
मैं इस समय पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने आप को यूरोप का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बताने वाला ये दहेज का लोभी अपराधी बस कुछ ही देर में कोर्ट के बाहर होगा। आशीष भाग, मुझे छोड़, विजुल का मुकर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी हथकड़ियाँ खोल दीजिए। देखिए मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, ये खोल दीजिए प्लीज। चलो चलो आजा, चलो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। चलो मैं, आप इस तरह मेरी तस्वीरें मत खींचिए प्लीज। देखिए मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मुझे मुझे इस देश से बहुत प्यार है। आप चाहे तो आप मेरी बहू से पूछ सकते हैं, मैंने कोई दहेज नहीं लिया है, वाकई मैंने कोई दहेज। वो देखिए मेरी गाड़ी है, 2 करोड़ की है, 2 करोड़ रुपए की है, तो क्या 10 लाख के लिए मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा? ना ना ना, प्लीज आप मेरी तस्वीरें मत कीजिए। यूरोप में, इंग्लैंड में लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो सब कुछ है मेरा, मैं तो यहाँ अपने देश में मिट्टी खींच लाई थी मुझे यहाँ की खुशबू। माना विदेश में सब कुछ मिला है, देश तो प्यारा अपना है। तुमने क्या कर दिया? कम सा लगे कुछ इस जीवन में, दिल में बस ये सपना है, अपने देश में हम जाएंगे, पिछड़ी माँ से मिल जाएंगे। ताकत हिम्मत को तोड़ेगा, मिलने से रोकेगा नहीं, हमारी बहन से हमको तो प्यारा है बताना, अपनी जान जा रहे हो तुम अर्जुन? मैं तुम्हें प्रीति से नहीं मिलने दूंगी, रुक जाओ। माता जी मेरे तुम सामने से हटिए, हटिए। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन रुक जाओ, रुक जाओ तुम। तरस खाओ हम पर, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो,
तुम्हें वो जमीन चाहिए ना, ले लो ले लो, मगर हमें छोड़ तो कर दीजिए इन पेपर्स पे साइन। और चले जाइए वापस इंग्लैंड, आपको कौन रोक रहा है। साइन मत करना माँ, इन शैतानों के सामने घुटने मत टेकना। चुप हो जाओ, तुम्हारी इसी जिद में सब कुछ बर्बाद हो गया है। चुप। थैंक यू। आप लोगों के चक्कर में मैं कहां फंस गई। मधु, सारे देश की पुलिस अलर्ट कर दी गई है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, सारे शहर में गश्त बढ़ा दिया गया है, हर रोड पे बैरियर लगा दिए गए हैं, सारे टेलीविजन चैनल ने उसकी शक्ल पूरे देशवासियों को दिखा दिया है, वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। 10 लाख रुपए का इनाम है उसके सर। मैं ये कुछ भी नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस लड़के के आंखों में मैंने खून देखा है, और मैं सिर्फ इतनी बात जानती हूँ कि वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। घबराओ मत मधु, मैं खुद इस इलाके में गश्त लगा रहा हूँ, सारी की सारी पुलिस फोर्स बाहर तैनात है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो, ये अलार्म है, सारे एरिया में सायरन लगा दिया गया है, तुम्हें अगर जरा भी खतरा लगे तुम इसे बजा सकती हो। We all are there.
प्रीति उठो, उठो प्रीति, प्रीति प्रीति को ये दवाइयाँ दे दीजिए, मैं करण को लेके आता हूँ। नीचे, बच्चा नीचे छोड़। तेरी याद में जलना चाहे,
तुझे पाकर रब पाया है, अब ये ना बदलना चाहे। तेरा तन भी मेरा तन है, ये रूहों का मिलन है। ये गमजदा कहानी है इस बदनसीब एनआरआई परिवार की। नाउ ऑल द एविडेंसेस दैट हैव कम ऑन रिकॉर्ड और जो भी विटनेसेस जनाब ने एग्जामिन किए हैं उनसे ये जाहिर होता है, साबित होता है कि दहेज के प्रोविजंस पर मबनी ये एक झूठा मुकदमा है। दहेज और रेप के अच्छे प्रोविजंस के बुरे इस्तेमाल का ये एक बहुत बुरा मगर बेहतरीन उदाहरण है। मेरे मासूम मुवक्किल को सिर्फ इसलिए परेशान किया गया ताकि इनकी जमीन छीनी जा सके, कानूनी तरीके से इन्हें तबाह और बर्बाद किया जा सके। मैं अपने फाइनल आर्गुमेंट्स को यहीं कंक्लूड करते हुए जनाब से गुजारिश करूंगा कि मेरे मुवक्किल को रिहा किया जाए, इन लोगों के पासपोर्ट्स रिलीज किए जाएं ताकि ये वापस अपने घर यानी इंग्लैंड जा सके। Is that it? नहीं योर ऑनर, इसके अलावा मेरी एक एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन? सेक्शन 340 में? नहीं योर ऑनर, मैं ये समझता हूं कि भारत के न्यायिक इतिहास में अपनी तरह की ये पहली एप्लीकेशन है, एक पहल है कुछ नया करने की, शायद कुछ नया हो जाए। क्या मतलब? योर ऑनर, इस एप्लीकेशन में हमने ये दरख्वास्त की है कि अगर जनाब को ये लगता है कि ये झूठा मुकदमा है, मलेशियस प्रोसिक्यूशन है, तो जनाब मेरे मुवक्किल को रिहा करने के अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाए। कैसा फैसला? फैसला ये कि अगर योर ऑनर को लगता है कि मेरे मुवक्किल के साथ नाइंसाफी हुई है तो यहाँ मौजूद इस झूठी कंप्लेनेंट को भी अभी इसी वक्त इसी ओरिजिनल मुकदमे में हिरासत में लेने का हुक्म अता किया जाए। ट्रायल के बाद कम से कम इतने सालों तक इसे भी सजा दी जाए, जेल में बंद किया जाए, जितने साल इन्होंने मेरे मुवक्किल को झूठे केस में फंसा कर परेशान किया है। ऑर्डर ऑर्डर। What nonsense! Sorry, I cannot do that. इस कोर्ट की लिमिटेशन आप भी जानते हैं, मैं मैक्सिमम 340 में एक इंक्वायरी रेफर कर सकती हूँ, लेकिन इससे क्या होगा ये तो आप भी जानते हैं इलियासी साहब। अगर आप चाहें तो 193 और 211 में इनके खिलाफ एक नया मुकदमा दायर कर सकते हैं। मैं इस केस के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कंप्लेनेंट को कोई सजा दे नहीं सकती, मैं मजबूर हूं। वजह से ही समाज में हम जैसी औरतें बदनाम होती हैं और हम जैसों को न्याय नहीं मिलता। ऐसी औरतों को तो जेल में डाल देना चाहिए। आप बैठ जाइए प्लीज, मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ। अगर डिफेंस को कोई केस लॉ रेफर करना है तो कर सकते हैं। पीपी साहब, आपको कुछ कहना है? मुझे योर ऑनर, इनको तो बैठा है।
तमाम गवाहों और सबूतों का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दहेज का यह एक झूठा मुकदमा है, लिहाजा ये अदालत अभियुक्तों को रिहा करती है। लेकिन मुझे अफसोस है इलियासी साहब, मैं आपके कंप्लेंट को खारिज कर रही हूं। मैं कंप्लेनेंट को कोई सजा नहीं दे सकती। जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम लोग लकीर के फकीर हैं। संसद में बने कानून की लकीरों के परे हम नहीं जा सकते। I'm sorry। माता जी, आप आजाद हैं, मैंने आपको रिहा कर दिया है। आपने हमको छोड़ दिया, बड़ा एहसान किया आपने। लेकिन साथी, आपने इसे भी छोड़ दिया जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, हमारा सब कुछ लूट लिया। देख लिया, बड़ा इंसाफ किया है आपने, आपकी अदालत ने, आपके कानून ने। मैं सलूट करती हूं आपको। लेकिन जज साहब, आपने हमारे साथ अधूरा इंसाफ किया है। ये तो सब जानते हैं कि ऊपर भगवान और नीचे आपकी ये कुर्सी है हमें इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन आज दुनिया ये भी जान गई कि आपकी कुर्सी बहुत मजबूर है। अब तो बस मरने के बाद ही हमें इंसाफ मिलेगा, वो भी सिर्फ भगवान से। इसे कौन रोक सकता है, ऐसे ही तो कानून है यहाँ। रुक जाओ वहीं। मैं? यस, गिरफ्तार कर लो इसे। Under what provision? The Honorable Supreme Court says there is no rule of law that common sense should be put in cold storage. मैं तुम्हें कोर्ट में झूठी गवाही देने के इल्जाम में, यानी परजुरी के प्रोविजन के तहत अंडर सेक्शन 193 आईपीसी में गिरफ्तार करने का हुक्म देती हूँ। 7 साल तक अगर मैंने तुम्हें जेल में नहीं रखा तो इनके साथ अधूरा इंसाफ होगा। आधे अधूरे इंसाफ को खुदा का इंसाफ नहीं कहा जा सकता। मैं तो एक इंसान हूं, इसलिए कमजोर हो सकती हूं, लेकिन मेरी इस कुर्सी की गरिमा और शक्ति भगवान जैसी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तो मैं ही क्यों नहीं। हो सकता है ये एक नई सुबह की शुरुआत हो, एक नई पहल हो। Who knows?
अपनी मिट्टी की सुंधी खुशबू है, रगों में ये बसी है, चूमेंगे इसको शाम से। हमको तो प्यारा है वतन अपनी जान से, यहाँ भी माँ है तेरा सहारा, गम न कर यारा तू दूर नहीं जहान से। हमको तो प्यारा है वतन अपनी जान से। माना विदेश में सब कुछ मिला है, देश तो प्यारा अपना है, कम सा लगे कुछ इस जीवन में, दिल में बस ये सपना है। अपने देश में हम जाएंगे, बिछड़ी माँ से मिल जाएंगे। किसमें ताकत हिम्मत को तोड़ेगा, मिलने से रोकेगा हमारी पहचान से। हमको तो प्यारा है वतन अपनी जान से। देसी चमक और रंगे शबाब तेरा, ऐसी सुंदरता और कहां, सूरत और मूरत जैसे देवी खड़ी हो, ऐसी पवित्रता और कहां। हताशे बाजे शोर शराबा और हो फिर हंगामा, इनकी बहू हम लाएंगे हिंदुस्तान से। अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू है, रगों में ये बसी है, चूमेंगे इसको शान से। इस घर की बहू हम लाएंगे